अस्सलाम वालेकुम ओपन सीक्रेट के दोस्तों, खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी अजीम इंसान आए, आखिरकार उन्हें किसी न किसी ने कत्ल किया या शहीद किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के अजीम खलीफा थे। आपके बेपनाह कारनामों की वजह से आज ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मगरबी दुनिया भी आपको अच्छे अल्फाज में याद करती है। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मिजाज नहायत आदलाना था और बड़े ही मुनसफ मिजाज थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या कुछ यूं है कि एक पारसी गुलाम था हज़रत मुग़ीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, तो उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में आकर शिकायत की कि खलीफा, ये जो मेरा आका है यानी मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये मुझसे टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल करता है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, कितना टैक्स वसूल करता है? तो उसने बताया कि 2 दिरहम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है? तो उसने बताया कि मैं आहनगिरी और ये नक्काशी वगैरह करता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे शोबे के मुकाबले में जो मुग़ीरा ने तुम पर टैक्स आयद किया है वो ज़्यादा तो नहीं? तो इस बात पर वो जो ग़ुलाम था पारसी, वो गुस्से में चला गया। और फिर अगले दिन, ये वाक़या है 23 हिजरी का, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तो वो खंजर के साथ आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर वार किए, जिसके नतीजे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर 6 जगह वार हुए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस जख्मों की ताब ना ला सके और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दोस्तों, आपके कातिल को, अबू लोलू फ़िरोज़ू को, लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन उसने रोकने वालों को भी ज़ख्मी कर दिया और आखिरकार उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वफ़ात पाने से पहले थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक हुई तो उन्होंने पूछा कि मेरा कातिल कौन है? तो बताया गया कि फ़िरोज़ू है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शुक्र अदा किया कि शुक्र है मालिक का कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में दफन कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर एक बड़ा ही, जिसे आज के दौर में कह लें, इनोवेटिव था। नई नई चीज़ें, नए नए उसूल मुतारफ करवाए गए जिसकी बिना पर आज यूरोप की रियासतें हैं वो अपना नज़्म व नसक चला रही हैं। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ही जेल खाने और पुलिस का निज़ाम और ज़मीन की पैमाइश, इस तरह के काम सारे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुए। दोस्तों, ओपन सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता है वो बना रहे। हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। शुक्रिया।